Assalamu alaikum, grade 7. How are you all? I hope that you all are fine and safe. Grade 7, this is your English lesson. And today, as you all know that we have completed our unit number 4, that was Sindbad, a secret. So today we'll be doing the exercise of unit number 4. Okay, and the exercise of unit number 4 is stated on page number 21. But before anything else, I want you to take out your English books, your English notebooks, your stationery, so that you can write. For your information, आपको तो पता ही होगा कि जब आप कॉपी में काम लिखते हो तो वो किस तरह से होता है. वो मेथड ये होता है कि आपने सबसे पहले एक जो नेक्स्ट पेज है आपकी कॉपी का, न्यू जो पेज है जहाँ तक आपने काम किया, वहाँ से एक फ्रेश पेज पे आपने एक टाइटल पेज बनाना है. ठीक है, टाइटल पेज के बाद आपने पेज टर्न ओवर करके मार्जिन लाइंस बना के डेट डे लिख के नीचे आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, तो कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं स्टार्ट वाले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए 1 to 5, ये आपने नोटबुक में लिखने हैं. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी और सी है वो आपने बिल्कुल नहीं लिखने. ठीक है, तो आ जाते हैं पेज नंबर 21, बुक इंग्लिश यूनिट नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज हिंदबाद एंड वेयर ही लिव्ड. तो इस सवाल में वो पूछ रहे हैं कि हिंदबाद कौन था और वो कहाँ रहता था. ठीक है, तो आंसर इज हिंदबाद वॉज अ पुअर पोर्टर एंड लिव्ड इन बगदाद. हिंदबाद जो था वो एक गरीब पोर्टर था, मजदूर था. ठीक है, मजदूर बेटा. पोर्टर इन इंग्लिश इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु डू टाइनी कोर्स, स्मॉल कोर्स. कोई भी काम छोटा तो नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे सफाई कर देना, बर्डन उठाना किसी का, एंड कुली जिसको कहते हैं वो, और यू नो ठेला वगैरह, इस तरह के काम करने वाले को पोर्टर कहते हैं. तो वो एक गरीब पोर्टर था और वो बगदाद में रहता था. ही लिव्ड इन बगदाद. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक. ठीक है, इराक में है बगदाद और ये वहाँ का कैपिटल है. और हिस्टोरिकली इट इज़ अ वेरी रिच सिटी. हिस्ट्री में और जो हमारी टेल्स हैं, क्लासिकल टेल्स जो हैं बरसगीर पाक व हिंद की, उसमें बगदाद को बहुत मेंशन किया गया है. ठीक है, तो ही लिव्ड देयर. हिंदबाद वाज एक मजदूर था वो, और वो बगदाद में रहता था. कैरेक्टर ऑफ सिंधबाद. Now, oh, you remember that rich guy who was having a good home. So, this question is about him. That describe his character. Tell something about him. That what kind of person he was, right? So the answer is, Sindbad was a kind, hardworking, courageous, and a brave sailor who worked hard and never lost hope. Okay, so we are answering about the Sindbad character. That I hope you all watched those Sindbad's videos and his voyages and his adventures. So if you saw his adventures and if you saw his stories, so you will come to know that Sindbad was a very kind person. He was very hardworking as well. Bahut hi mehnat करता था. courageous, courageous means बहुत हिम्मत वाला था. right, he was brave. and a brave sailor is a person जो कि जहाज को चलाने वाला जो होता है. ठीक है, जहाज, पानी वाला जहाज, not हवाई जहाज. who worked hard and never lost hope. so Sindbad always used to work hard just like you all. And he never lost hope. What kind of situation, उसको जिस जैसे भी situation का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी. ठीक है, उम्मीद नहीं उसने अपनी छोड़ी. राइट, सो दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ सिंधबाद. एंड यस, अगर आपने सिंधबाद के एडवेंचर्स नहीं देखे अभी तक, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो एंड वॉच एडवेंचर्स ऑफ सिंधबाद. 7 एडवेंचर्स उसने किए थे, 7 वॉयजेस पे वो गया था, और वहाँ पे उसने बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे. आई नो यू विल एंजॉय देम, यू मस्ट वॉच देम. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वॉज हिंदबाद एन्चेंटेड व्हेन ही सैट अंडर द ट्री. So, you remember when that poor porter, Mr. Hindbad, he sat for resting under a tree. So, why was he enchanted? Enchanted means, why was he attracted to the inside of the house?
So the answer is Hindbad was enchanted by soft melodious music. So why Hindbad was attracted? He was attracted because he heard, उसने कुछ सुना था, कोई बहुत ही soft, बहुत ही मध्यम, बहुत ही सुरीला एक आवाज़ आ रही थी अंदर से, soft नरम, melodious सुरीली music, गाना गाना या रिदम या सरगम जो भी होती है, एंड रिच सूदिंग फ्रेग्रेंस. रिच सूदिंग फ्रेग्रेंस, रिच मीन्स बहुत सारी, बहुत ज़्यादा. सूदिंग मीन्स यू नो, दिल को खुश कर देने वाली. फ्रेग्रेंस, खुशबू. तो एक तो उसने म्यूज़िक सुना, दूसरा उसके पास बहुत ही एक मज़े की खुशबू उसको आ रही थी, ठीक है, कमिंग फ्रॉम इनसाइड, जो कि घर के अंदर से आ रही थी. तो इसीलिए म्यूज़िक की वजह से और कुछ फ्रेग्रेंस की वजह से, खुशबू की वजह से वो उस घर की तरफ माइल हो गया था, इंचैंटेड हो गया था, अट्रैक्टेड हो गया था, ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही एक्सक्लेम लाउडली. हिंदबाद जो था, ठीक है, तो उसने थक हार के कुछ, उसने चीख के कुछ बोला था अचानक से, ठीक है. लाउडली मीन्स तेज़ी से बोलना. एक्सक्लेम मीन्स सडनली, बहुत ही अचानक से और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स के साथ, राइट. आंसर इज ही एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने तेज़ी से बोला, ठीक है, बहुत ही दिल से और तेज़ी से बोला. व्हाई एम आई पुअर, मैं गरीब क्यों हूँ. वेयर एज सम पीपल आर वेल्दी, जबकि, वेयर एज, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं. व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी, ये इतना फ़र्क क्यों, वाज़े फ़र्क इतना क्यों, ठीक है. टू होम ही वॉज कॉलिंग ऑल दिस, ही वॉज कॉलिंग टू अल्लाह. ही वॉज क्वेश्चनिंग अल्लाह दैट व्हाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सिंधबाद्स वेल्थ एंड रिचनेस, राइट. सो द सीक्रेट्स ऑफ, यू नो दैट व्हाई सिंधबाद वॉज सो रिच एंड व्हाई ही वॉज सो वेल्दी सिंधबाद, व्हाट वॉज द रीज़न. सो द आंसर इज द सीक्रेट्स ऑफ सिंधबाद वेल्थ एंड रिचनेस इज हार्ड वर्क. ओके, anybody can become rich, can become wealthy, can become good if he works hard, okay. And facing hardships is his numerous voyages. Okay, this is not is his numerous, this is at his numerous, okay. So please make it correct. So what did Sindbad do to become rich? Sindbad was working very hard and he faced hardships. Usne bahut hi mushkilat ka samna kiya. Uski jo you know latadat, jo journeys, voyages, yani jo safar the usme, right. This is remember students, this is not is his numerous voyages, this is facing hardships at his numerous voyages. Okay, moving to question number B. This is same on page number 21. ये जो question answers हैं, you have to write them in your notebook. बाकी जो आपका question number B और C है, ये आपको book में ही करना है, right? क्वेश्चन नंबर बी भी आपने बुक में ही लिखना है, क्वेश्चन नंबर सी भी आपने बुक में ही लिखना है. ओके, एंड ट्राई टू राइट इन अ स्मॉल राइटिंग, कोशिश करें आपकी राइटिंग छोटी हो ताकि वो बुक में आ जाए. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी, योर ओपिनियन, राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ हिंदबाद एंड सिंधबाद. यहाँ पे इन्होंने हमें दो बॉक्सेस दिए हैं, एक बॉक्स जो है वो हिंदबाद का है, दूसरा बॉक्स सिंधबाद का है. अब इन बॉक्सेस में हमने लिखने हैं हिंदबाद के कैरेक्टर्स के वो कैसा था, और सिंधबाद वाले बॉक्स में हमने सिंधबाद के बारे में लिखना है कि वो किस तरह का बंदा था, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये मैंने काट दिए हैं, ये मैंने हाइड कर दिए आपसे. तो जो 1 और 2 वाला जो सेंटेंसेस है हिंदबाद और सिंधबाद का, वो आप खुद करोगे. आधा आधा मैंने छोड़ा है, बाकी आप खुद कर लोगे. नंबर 3 पे आ जाते हैं, हिंदबाद नंबर 3, ही कंप्लेंड व्हाई ही वाज पुअर. जाहिर है हिंदबाद बैठा हुआ था दरख्त के नीचे और उसने अल्लाह से शिकायत की थी कि मैं गरीब क्यों हूँ. ओके, तो ही कंप्लेंड व्हाई ही वाज पुअर. नंबर 3 पे सिंधबाद के बारे में हमने लिखा है,
he faced many hardships and calamities on sea. ठीक है, तो हिंदबाद जो था वो ऐसे ही तो अमीर नहीं बना था. तो उसने क्या किया था अमीर बनने के लिए, उसने बहुत सारे हार्डशिप्स यानी मुश्किलात और कैलमिटीज़ यानी जो बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस होती हैं उनका सामना किया था, उनको फेस किया था समंदर में. ओके, नंबर फोर पे आ जाते हैं हिंदबाद. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव रिचेस. हाँ, हिंदबाद अमीर होना चाहता था, उसको वेल्थ चाहिए थी, तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव रिचेस. नंबर फोर सिंधबाद, ही नेवर गेव अप होप एंड केप्ट ऑन ट्राइंग. जो सिंधबाद था उसने कभी अपनी उम्मीद नहीं हारी, ठीक है, उसने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने ही केप्ट ऑन ट्राइंग मीन्स उसने हमेशा हमेशा बार बार कोशिश की है. ठीक है, कमिंग टू नंबर फाइव हिंदबाद, ही फेल्ट अशेम्ड आफ्टर द गुड ट्रीटमेंट बाय सिंधबाद. हिंदबाद जो था उसको वो जो इतनी शिकायत कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो ही फेल्ट अशेम्ड, उसको शर्म आ गई. ठीक है, उसको बुरा लगा आफ्टर गुड ट्रीटमेंट ऑफ सिंधबाद, जब सिंधबाद ने उसको अच्छे से ट्रीट किया. इट डजंट मीन कि उसको बुरा लग गया या उसकी बेइज्जती हो गई. नो नो नो, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज ओन बिहेवियर कि मैं इतना वो क्यों कर रहा हूँ, मैंने इतनी शिकायत क्यों की. ठीक है, मुझे इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी. ठीक है, तो जब सिंधबाद ने उसे अच्छा ट्रीट किया तो उसकी वो शिकायत दूर हो गई और फिर उसने उसको शर्म आई कि मैंने इतनी शिकायत क्यों की. नंबर फाइव सिंधबाद, ही बिकेम मोर एडवेंचरस एंड बिकेम अ वेल्दी मैन. जो सिंधबाद है वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस हो गया. जब उसको जितनी भी मुश्किलात उसने देखी है ना, तो एक के बाद एक मुश्किलात के बाद वो मुश्किलात को पसंद करने लगा, उसको मज़ा आने लगा ख़तरों से खेलने में. ठीक है, और फिर वो वेल्दी मैन हो गया, वो अमीर हो गया. ओके, सो दिस इज़ इट. नंबर वन और टू मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ. हिंदबाद वॉज अ, ठीक है, फिर आप हिंदबाद के बारे में लिखें कि हिंदबाद कौन था, उसके बारे में एक वर्ड लिखते हैं. और सिंधबाद वॉज अ, तो फिर सिंधबाद क्या था उसके बारे में लिखते हैं. नंबर टू पे है हिंदबाद वॉज अ डैश और सिंधबाद वॉज, नहीं, हिंदबाद फिल्ट डैश एंड डैश. तो हिंदबाद को क्या फीलिंग हुई थी जब वो दरख्त के नीचे बैठा था, वो लिखें, दो वर्ड्स लिखते हैं. और सिंधबाद वाले सेक्शन में सिंधबाद के बारे में, सिंधबाद वॉज अ, उसके बारे में कुछ भी सेंटेंस आप बना लें. ओके, तो वन और टू दोनों बॉक्सेस में आपने खुद करना है, बाकी थ्री मैं करवा चुकी हूँ, राइट. और बेटा ये सब चेक होगा. ओके, आपकी जो भी असेसमेंट जारी है, ठीक है, तो ये सब मैं आपकी फिर असेसमेंट में बाद में डाल दूँगी. एंड यू हैव टू डू इट, ये आपने करना है, आपने इसको यू नो मूव नहीं करना आगे पीछे कि नहीं आज नहीं करते अगली दफ़ा कर लेंगे. ये आपने डेफिनेटली करना है, इसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे और ये इंशाल्लाह चेक भी होगा. ठीक है, हाँ, अगर आप ये कर सकते हो तो होमवर्क कम्प्लीट करके अपनी नोटबुक से आप पिक्चर भेज सकते हो, तो दैट विल बी वेरी गुड. ओके, क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं ऑन द सेम दैट पेज, टू पेज नंबर 21. ये भी आपने बुक में ही करना है. तो इमेजिन यू आर सिंधबाद, सोचें अपने जहन में कि आप सिंधबाद हो. ठीक है, अब वो जो अमीर वाला था, ठीक है, वो जो एडवेंचरस था, वो जो हार्डवर्किंग था, तो आप वही हो. हाउ वुड बी योर बिहेवियर विद पुअर पीपल. तो जो गरीब लोग हैं जैसे हिंदबाद था, तो उसके साथ आपका बिहेवियर उन लोगों के साथ जो कि गरीब हैं, और आप बहुत अमीर हो, तो आपका बिहेवियर उनके साथ किस तरह का होगा. ठीक है, आप उनको प्यार करोगे, आप उनको हेट करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे, या आप उनको यू नो अमीर होने के तरीके से खाओगे. व्हाट वुड यू डू, राइट. ड्रॉ एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ सिंधबाद. अब जो साइड पे बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये जो लाइंस है नीचे बेटा, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप किस तरह से बिहेव करोगे गरीब लोगों के साथ, पुअर पीपल के साथ. और जो बॉक्स है इसमें फिर आपने क्या करना है, आपने सिंधबाद की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे.
राइट तो बेस्ट ये होगा कि आप कोई भी उसकी एडवेंचर की पिक्चर आप ड्रॉ कर दो तो दैट विल बी वेरी गुड. सो दैट्स इट ग्रेड 7. आई होप यू एंजॉयड एंड बहुत ही मज़े का चैप्टर था ये. अगर आप सिंधबाद की एडवेंचर स्टोरी देख लेते हो या यूट्यूब पे या कहीं पे पढ़ लेते हो तो इट विल बी मोर फन फॉर यू, आपको और भी मज़ा आएगा. एंड दैट्स इट, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लें प्लीज़. एंड व्हेन यू कम टू स्कूल इट विल बी चेक्ड और आपकी पिक्चर जो आप मुझे नोटबुक से भेजेंगे वो भी मैं चेक करूँगी एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन योर मार्कशीट. ठीक है, सो दैट्स इट टिल द नेक्स्ट वाइल लेसन. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. प्लीज़ डोंट गो आउट एंड वॉश योर hands properly grade 7. That's it. Allah Hafiz.